आगे कदम बढ़ गए। जैसे कोप भवन में प्रवेश किया तो केकई जी रूठी बैठी थी। महाराज जैसे ही पहुंचे तो केकई जी खड़ी नहीं हुई, अभिवादन नहीं किया, जबकि आप जानते हैं कि महाराज श्री दशरथ पति की ही भूमिका में नहीं है, राष्ट्रपति की भी भूमिका में है। बोलो है कि नहीं? अगर आज राष्ट्रपति आ जाए तो सभी उसका अभिनंदन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति है। पद का सम्मान, पद का सम्मान। केवल महाराज दशरथ पति की भूमिका में नहीं है, राष्ट्रपति की भूमिका में भी है। एक पत्नी का धर्म कहता है पति यदि आ जाए तो उसे बैठा रहना चाहिए कि खड़ा हो जाना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए, मर्यादा यही है। एक बार एक पति बोला, महाराज हमारी पत्नी तो कभी खड़ी होती ही नहीं है, कभी नहीं होती खड़ी, आप शिक्षा दे दो। हमने कहा क्यों, पति आता है तो तुम खड़ी क्यों नहीं होती? बोले महाराज एक बार आवे तो चक्कर ही काटते रहते हैं। अरे इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। अरे घर में ही नहीं रहें, घर की जिम्मेदारियों को संभालें, समाज की जिम्मेदारियों को संभालें। और हमारे पति हैं, हमारा गौरव बढ़ेगा अगर ये कुल और समाज की जिम्मेदारी के साथ साथ देश की जिम्मेदारी को संभालें तो हमारा गौरव बढ़ेगा। इसलिए आप इन्हें शिक्षा दो कि ये समाज की जिम्मेदारी संभालें। याद रखना, केवल जिंदगी घर में ही मत घुस के बिताओ, नारकीय जीवन मत करो। यदि तुमने जन्म लिया है तो केवल अपने जीने के लिए नहीं लिया है, अपने खाने के लिए नहीं लिया है, तुमने जीवन लिया है समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए लिया है। इसलिए अपने जीवन को समाज और राष्ट्र की सेवा में लगा दो। ये जीवन प्रमादी बनाने की जरूरत नहीं है, आलसी बनाने की जरूरत नहीं है कि खाली हो, पड़े पड़े सो रहे हो, कुछ काम नहीं करना है। आलसी प्रमादी जीवन को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने जीवन को राष्ट्र और समाज की सेवा से जोड़ो। हमारी माताएं आज अपनी संतान को राष्ट्र की सेवा से जोड़ें। आज हम यदि कथा कह रहे हैं तो आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के बल पर, भगवान की कृपा और देश के सैनिकों का बल, इन दोनों के द्वारा आज हमारा यज्ञ सफल हो रहा है। अगर हमारे देश के नौनिहाल सैनिक बन करके देश की रक्षा न करते होते तो आज बोलो हम शांति से जीवन व्यतीत कर पाते क्या? धन्य है वो सैनिक। मैं कहता हूं उनकी भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, जो इस समय भीषण गर्मी में भी बॉर्डर पर लगे हुए हैं, भीषण सर्दी में भी बॉर्डर पर लग के हमारे देश की रक्षा करते हैं। याद रखना, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको केवल देश दिखाई दे रहा है, अपना जीवन नहीं दिखाई दे रहा है, केवल उन्हें देश दिखाई दे रहा है, वो देश के पीछे अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहते हैं। ये संस्कार माताओं आपने दिया है अपने बच्चों को, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जियो। आलसी प्रमादी जिंदगी मत जियो, अपने राष्ट्र के लिए जियो। उत्साहित होकर के राष्ट्र की सेवा करो, समर्पित होकर के राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र के लिए जियो, देश के लिए जियो, धर्म की रक्षा के लिए जियो। आज दशरथ जी महाराज जैसे ही प्रवेश करते हैं तो केकई रूठी बैठी थी। महाराज श्री दशरथ ने समीप में जाकर के कहा, कारण क्या है कि तू रूठी है, नाराज क्यों है ये बता। तू साहसी है, तेरे साहस को मैंने देखा है कि देवासुर संग्राम में तू सारथी बन करके मेरे रथ का संचालन कर रही थी, और यदि उस देवासुर संग्राम में विजय मिली थी दशरथ को तो तेरे बल और शक्ति पराक्रम के कारण मिली थी, लेकिन आज तू रूठी बैठी है, कारण क्या है बता, कारण क्या है? केकई ने कहा कि कारण रूठने का है, उसको समझने के बाद आप मेरे मन की संतुष्टि करेंगे क्या? दशरथ जी ने कहा क्यों नहीं? तो केकई ने कहा, देन कहे महे दोई
दो वरदान देने के लिए कहा था। जब देवासुर संग्राम में मैं सारथी बनकर के रथ चला रही थी तो उस समय आप मेरे रथ के संचालन से प्रभावित हो गए थे और उसी समय आपने दो वरदान देने के लिए कहा था और आज मौका आ गया है, मैं लेना चाहती हूं। आप देंगे वो दो वरदान के बदले में जो मांगूंगी? दशरथ जी ने सीधा कह दिया। सुनते ही केकई ने कहा, दैन कहो मुझे दो वरदाना। मैंने दो वरदान आपने मुझे दिए थे उसके बदले में आज मैं मांग रही हूं। दशरथ जी ने कहा, दोई के चार मांग भर ले, तू दो के चार मांग ले। केकई जी ने कहा, कभी भी असंतुलित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए महाराज, हमेशा संयमित और संतुलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं दो मांग रही हूं, आप चार की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम ये समझना चाहिए था कि दो हैं तो वो दो हैं कौन। केकई बोली, दो में ही पसीना निकल जाएगा, चार की तो बात छोड़ो। अरे पहले समझ तो लेना चाहिए आखिर ये दो हैं कौन। अब तुम्हारी समझ में आई बात? पत्नी अगर तुमसे डिमांड करे तो तत्काल तुम्हारी ओवर लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आर्थिक फाउंडेशन गड़बड़ा जाएगा, चौपट हो जाओगे। बिल्कुल मैं साफ बोल रहा हूं, इस कथा से शिक्षा ले लो। ये कथाएं शिक्षा देने के लिए हैं। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये ग्रंथ ही नहीं लिखा है, ये तुम्हारी जिंदगी के प्रयोग में आने वाला ग्रंथ है, तुम्हारी समस्याओं को दूर करने वाला ग्रंथ है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी को सुंदर ढंग से संचालित कराने वाला ग्रंथ है। आज इस ग्रंथ की शरण में आकर के कुछ समस्याओं से निजात पा लो। मैं इस तरह की व्याख्या करता हूं जिससे तुम्हारे जीवन की व्यथा दूर हो, राम कथा से जीवन की व्यथा दूर हो। केकई संयमित भाषा में ही कह रही है कि महाराज मैं दो की बात कर रही हूं, आप चार की बात कर रहे हैं, पहले आप मेरे दो वरदान सुनिए। दशरथ जी बोले, नहीं दो के चार मांग भर ले, दो के चार मांग ले। केकई जी ने कहा, ना तीन चाहिए ना एक चाहिए, ना हमको पांच चाहिए और ना हमें तीन चाहिए, केवल दो। दो दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं मेरी इच्छा है कि दो के चार। अच्छा बोलो पत्नी, तुमसे ये कहे कि आज मैंने पड़ोसिन के गले में दो तोले का हार देखा, पड़ोसिन के गले में दो तोले सोने का हार देखा, हमारी इच्छा है कि तुम भी मुझे बनवा दो दो तोले का हार। तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए उसका दो तोले का है, हम चार का बनवा देंगे, तो चिंता क्यों करती है? तुम्हें पहले अपनी परिस्थिति पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और समझाना चाहिए कि देखो उसकी परिस्थिति अलाउ कर रही है इसलिए उसने दो तोले सोने का हार पहना दिया, लेकिन जिस दिन मेरी परिस्थिति अलाउ करेगी मैं भी तुझे हार पहनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अगर ये जिद्दई करने लगे कि नहीं नहीं अभी, तो उस समय तुम युक्ति से काम लो। कैसे? ये कहो आज नहीं, फिर कब? वो कहे कल, तो तुम ये मत कहो हाँ कल, ये कहो कल नहीं, फिर कहे परसों, और परसों में धीरे धीरे बरसों निकाल दो, जुक्ति से निकाल दो बरसों। बोलो तुम्हारा आर्थिक संतुलन कभी बिगड़ेगा? जल्दी बताओ, आर्थिक संतुलन बहुत बढ़िया रहेगा, मैं युक्ति बता रहा हूं आपको। ये जिंदगी को चलाने वाली युक्ति है, ये संतुलन बनाने वाली युक्ति है। लेकिन आज महाराज श्री दशरथ ने कहा दो के चार, केकई ने कहा नहीं नहीं चार नहीं दो। सुनो क्या है दो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक बर हर तही टी
प्राण प्रिय भावत जी का देह एक वर भरतहिं टीका। श्री राम को राजा बनाना चाहते हैं आप, नहीं, राजा भरत को बनाना है। अच्छा, भरत को बनाना है। इतना सुना पसीना निकलने लगा, कांपने लगे, कहे रुको रुको रुको, अभी धीरज रखो। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। भरत राजा बने और राम 14 साल के लिए बनवासी हो। दशरथ जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, मूर्छित होकर के गिर पड़े महाराज श्री दशरथ। केकई जी ने संभाला नहीं, उठाया नहीं, रूठ के फिर बैठ गई। अब बड़ी विडंबना है प्यारे। इधर महाराज श्री दशरथ कह रहे थे दोई के चार मांग बर लेऊ, और इधर दो में ही बेहोशी आ गई, शरीर कांप रहा है। लेकिन केकई जी ने महाराज को संभाला नहीं। अच्छा, पति अगर पत्नी के सामने गिर जाए डिमांड करते समय गिर जाए तो पत्नी को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मेरी समझ में तो उठाना चाहिए। अच्छा, पत्नी की बात छोड़ो, आप सड़क पर चल रहे हो, गिर पड़े हो, तो अजनबी व्यक्ति भी उठा लेता है देख के कि नहीं उठाता? बोलो भाई, अरे 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 कैसे गिर गया, कैसे गिर गया। लेकिन वो तो पत्नी है, पत्नी है, पत्नी के जीवन में पति से बड़ा कौन हो सकता है? और ऐसी परिस्थिति में कि पति बेहोश होकर के गिर रहा है, लेकिन पत्नी ने संभाला नहीं। ये केकई जी का बहिरंग चरित्र है। ये बहिरंग चरित्र जब हम केकई जी का सुनते हैं तो केकई जी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन केकई जी की अंतरंग स्थिति क्या है, इस पर भी हमें थोड़ा विचार करना है। अभी तो प्रसंग बहुत बड़ा है, अभी आगे स्पष्टीकरण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अभी तो मैं केवल कोप भवन का वर्णन कर रहा हूं। बेहोश होकर के महाराज गिर पड़े, केकई जी बैठ गई, थोड़ी देर में होश आया, और जैसे होश आया तो आंखों में आंसू भर के महाराज श्री दशरथ कहते हैं केकई, मैं भरत को राजा तो बना सकता हूं लेकिन राम को बन नहीं भेज सकता। मोरे तो राम भरत दोई आंखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, भरत राजा बन जाए मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम बन चला जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, राम को आंखों से ओझल नहीं कर सकता। कहूं सुभाव न चल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही, जीवन मोर राम बिन नाही। राम के बिना मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, राम यदि जाएगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। इसलिए कहूं सुभाव न चल मन माथ यवही देऊ तो
बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं अवश्य ही प्राण छोड़ दूंगा। केकई बोली तुम मेरी शर्त सुन लो, यदि श्री राम अयोध्या से बाहर नहीं गए और सूर्य की किरण निकलते ही राम अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे, बन नहीं जाएंगे, तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी कहते हैं कि राम यदि चले गए तो मैं मर जाऊंगा। केकई कहती है राम यदि नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। अब बोलो विडंबना, विषम परिस्थिति आई कि नहीं आई? एक बहुत बड़ा धर्म संकट आया है। केकई कहती है कि राम यदि अयोध्या से बाहर नहीं जाते हैं तो मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी कहते हैं राम अयोध्या छोड़ के जाते हैं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा भाई, पति पत्नी में अगर इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। पति पत्नी में अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा, एक बचेगा एक मरेगा, अब पति पत्नी तय करें कि कौन बचे कौन मरे, तो मेरी समझ में तो ये आता है कि पत्नी का मरना पहले ज्यादा अच्छा होगा, मेरी समझ में तो यही है। क्यों? प्रत्येक पत्नी चाहती है, प्रत्येक नारी चाहती है कि मैं सुहागवती होकर के जाऊं। बोलो भाई। अच्छा तुम मंदिर में भगवान से क्या मनोती मनाती हो? कि हमारा सिंदूर सुरक्षित रखना। यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रही हो, सबसे पहले तुम यही मांगती होगी कि मेरा सुहाग अमर रहे, हे यज्ञ भगवान मुझे यही दे दो कि मेरा सिंदूर सुरक्षित रहे, यही मांग है। और बोलो केकई जी के सिंदूर महाराज दशरथ हैं कि नहीं? केकई जी के सिंदूर कौन है? महाराज दशरथ। और कंडीशन क्या है? दशरथ जी कहते हैं जीवन मोर राम बिन नाही, मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, राम यदि चले गए अयोध्या छोड़ के तो मैं प्राण दे दूंगा। केकई कहती राम नहीं गए तो मैं प्राण दे दूंगी। तो मुझे तो लगता है कि दशरथ जी को कह देना चाहिए था कि तीन पत्नियां हैं, तुम चली जाओ दो तो रहेंगी, पत्नियां तो तीन है ना, अरे एक चली जाएगी तो दो रहेंगी। लेकिन बोलो भाई, अगर पति दुनिया से चला गया तो तीनों विधवा हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तीनों का सब कुछ चला जाएगा कि नहीं? लेकिन क्या भगवान की लीला है प्यारे। यहां केकई जी कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं निश्चित रूप से प्राण दे दूंगी अगर राम बन नहीं जाते हैं। दशरथ जी ने कहा राम यदि जाएंगे तो मैं प्राण दे दूंगा। केकई बोली तय कर लो दोनों में से किसका जाना ठीक, दोनों में से। एक बार पति पत्नी में विवाद हुआ, वो दोनों मेरे पास आए। मैंने कहा देखो झगड़ा मत किया करो भाई, ये गलत बात। पत्नी बोली झगड़ा इस बात का है महाराज जी, आज कितना बढ़िया दिन है। हमने कहा दिन तो आज शायद शनिवार है। क्यों? अरे महाराज जी शनिवार दिन तो है लेकिन एकादशी है कि नहीं? हमने कहा हाँ एकादशी तो है, संयोग की बात है, जहां मैं था वहां भी एकादशी ही पड़ गई थी। ऐसा मत सोचना कि आज ही की बात है, क्योंकि आज तो मैं किसी परिवार में ठहरे नहीं हूं, मैं तो नौलखी मंदिर में ठहरा हूं। नौलखी बेतवा घाट जहां संतों का भवन है, संत निवास है, बड़ी सुंदर व्यवस्था, पूज्य स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की तपस्थली है, वहां मैं ठहरा हूं। बड़े तपोनिष्ठ संत हुए हैं स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। लेकिन उस समय की बात, संयोग से एकादशी पड़ गई, तो मैंने कहा झगड़ा करने की क्या बात है, एकादशी है, एकादशी को क्यों झगड़ रहे हो? पत्नी बोली इसलिए कि ये झूठ ज्यादा बोलते हैं, कम से कम आज एकादशी के दिन तो परहेज रखना चाहिए, आज भी ये झूठ बोले। तो मैंने कहा कि क्यों झूठ नहीं बोलना चाहिए, पत्नी ठीक कह रही है और झगड़ा कर रही है तो ठीक ही कर रही है, तुम कह दो कि हम नहीं बोलेंगे झूठ। बोले महाराज जी मैं झूठ ऊट कुछ नहीं बोलता हूं, मैं तो धंधा पानी करता हूं, तो कभी कभी बोलना पड़ता है, तो क्या करूं। अच्छा ठीक है, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं धंधा चौपट हो जाए, दुकानदारी ठप हो जाए,
झूठ नहीं बोलूंगा महाराज, आपके चरणों की सौगंध खा के कह रही हूं, मैं कह रहा हूं, उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे धंधा चौपट हो जाए, दुकानदारी ठप हो जाए, आज के बाद झूठ बोलना बंद। कभी कभी बोलता था, वैसे मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं कि हमेशा झूठ बोलना, लेकिन इससे कहो ये भी झूठ ना बोले, ये भी झूठ ना बोले। पत्नी बोली, मान लीजिए तुम कभी झूठ बोले तो क्या करोगे? पति ने कहा, मैं स्वामी जी जगतगुरु के चरणों की सौगंध खा चुका हूं, अगर मैं झूठ बोलूंगा, जिस दिन बोलूंगा उसी दिन मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन तू भी प्रतिज्ञा कर आज कि तू भी झूठ नहीं बोलेगी। पत्नी बोली, वैसे मैं तो बोलती नहीं हूं, झूठ का विरोध करती हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, बोलती नहीं हूं और चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पति बोला, मान लो बोली तो? उसने कहा, जिस दिन मैं झूठ बोलूं उसी दिन विधवा हो जाऊं। बोलो भाई, मरना तुम्हीं को पड़ेगा कि नहीं? भाई यहां भी ऐसी विषम परिस्थिति प्यारे। केकई जी कहती हैं कि ठीक है, यदि राम नहीं जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से प्राण छोड़ दूंगी। अब आप विचार करना, महाराज श्री दशरथ बार बार केकई को समझा रहे हैं लेकिन केकई समझ नहीं रही है। अब जब केकई नहीं समझी, देखो पत्नी समझाने पर ना समझे, पुत्र समझाने पर ना समझे, तो फिर भगवान पर छोड़ देना चाहिए। किस पर छोड़ना चाहिए? भगवान पर छोड़ना चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जब केकई जी को भवन में नहीं समझी तो महाराज श्री दशरथ ने भगवान शंकर पर छोड़ दिया। किस पर छोड़ा? शंकर जी पर। सुमिरी महेश बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। बोलो भाई, किस पर छोड़ा? भगवान शंकर पर। सुमिर महेश है, को भवन की चौपाई है, को भवन में ही उन्होंने प्रार्थना की। जब पत्नी नहीं मानी, पत्नी ने एक नहीं सुनी, तो उसी समय भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज श्री दशरथ। अच्छा, तुम लोग भी जब संकट में फंस जाते हो तो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हो कि नहीं? और शंकर जी संकट को दूर करते हैं कि नहीं करते हैं? ये अति रुद्र महायज्ञ, इतना विशाल यज्ञ जो अति रुद्र महायज्ञ, 1111 कुंडात्मक यज्ञ, ये आप शिव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और भगवान शिव आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। आज शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ कि हे शंकर, हे शिव, हे शशांक शेखर, हे भूत भावन, अब प्रसन्न हो जाओ, मेरी प्रार्थना सुनो, मैं संकट में फंस चुका हूं, इसलिए संकट से मुझे दूर करो। हे सुमिरी महेश कहान होरी, बिनती सुनहूं सदा शिव मोरी। अब मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना सुनो। अच्छा, जब एरा गैरा नथु खैरा की प्रार्थना शंकर जी सुन लेते, बोलो सुन लेते कि नहीं, तो भगवान राम के पिता की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, कन्फर्म है। जब साधारण से साधारण की सुन लेते हैं, कोई थोड़ा सा जल चढ़ा दे और प्रार्थना करे तो सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते हैं? लेकिन आज भगवान राम के पिता स्वयं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ आज प्रार्थना कर रहे हैं और बुला रहे हैं, कह रहे हैं हमारी प्रार्थना सुनो। और मैं तो कहता हूं कि आप समस्या का समाधान करने के लिए, आज पति पत्नी के मध्य में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, इसका निपटारा करने के लिए, समाधान करने के लिए आप आ जाओ, कैलाश छोड़ के आप जल्दी आओ। और अगर आप नहीं आओगे
तो निश्चित रूप से अयोध्या में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है कल। बोलो घटना घटने वाली है कि नहीं? आप आ जाओ, और बचा सकते हो तो आप ही बचा सकते हो। शंकर जी खड़े हो गए। पार्वती जी बोली, क्या बात है, कहां जा रहे हैं आप? कहे अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या। पार्वती जी ने कहा, अयोध्या इतनी जल्दी आप क्यों जा रहे हैं? कहे अयोध्या नरेश ने बुलाया है, इसलिए जा रहे हैं। पार्वती जी बोली, आज मत जाओ, कल जाना। शंकर जी बोले, कल क्या करेंगे? पार्वती जी बोली, अयोध्या में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि राम को बन जाना है, और अभी केकई को दोष लगेगा कि राम को बन भेजा है, केकई ने भेजा, और ऐसी कंडीशन में यदि आप पहुंच गए तो सारी दुनिया कहेगी कि शंकरई जी आए थे ये सब कराने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, परिवार में विवाद हो और कोई पड़ोसी निपटावे या रिश्तेदार निपटावे और निपटे ना, तो कलंक निपटाने वाले के ऊपर जाता कि नहीं जाता? हम तो जानते थे वो यही कराने आएंगे और यही करा के चले गए। देखो चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था, फालतू के चक्कर में पड़ गए। दोष लगता है कि नहीं लगता है? मध्यस्थ को दोष बहुत लगता है। पार्वती जी ने कहा, महाराज आपसे प्रार्थना है कि आप अभी माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आप अयोध्या मत जाओ। शंकर जी ने कहा, सुनो पार्वती, मैं अभी जाऊंगा, तत्काल जाऊंगा। इस समय रघुवंश का राजा संकट में फंसा हुआ है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, आंखों से गंगा यमुना की तरह अविरल अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, मैं कैसे देख सकता हूं? इसलिए नहीं नहीं, मुझे रोकना नहीं, मैं अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा। पार्वती जी बोली, ठीक है महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो आपको रोक कौन सकता है, जाओ। देखो शंकर जी आए, ये रामायण की कथा है। मैं कहता हूं ठीक से रामचरितमानस को अगर तुम पढ़ने लग जाओ तो रामचरितमानस की गहराई को समझ लोगे, लेकिन पढ़ते तो हो, बस पढ़ के रख देते हो। रामायण को आपने लिया और थोड़ा पढ़ा और रख दिया, और कोई भ्रम हुआ तो उसके निवारण की नहीं सोची, लेकिन ये सोचने लगे कि ये भ्रम इसमें ऐसा है तो ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये मत सोचो। रामचरितमानस में अगर एक जगह शंका है तो दूसरी जगह उसका समाधान है। किसी अन्य ग्रंथ की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी पुराण के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जितने भी पुराण हैं सबका सम्मत रामायण में है। इसलिए जहां तुम्हें शंका समझ में आ रही हो रामायण में, निश्चित रूप से गंभीरता से रामायण को पढ़ लेना, अगले प्रसंग में समाधान अवश्य मिल जाएगा, उसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा रामचरितमानस है, समाधान का ग्रंथ है। आप देखें कितना बढ़िया समाधान। सुमिरि महेश ही कहाल हो जी, सुनहु सदा शिव मोरी। सीधे शंकर जी आए और कोप भवन में प्रवेश कर गए। अयोध्या के किसी नागरिक ने भगवान शंकर को नहीं देख पाया। देखो शंकर जी किसके ऊपर कृपा करने वाले हैं ये कोई देख नहीं सकता है, लेकिन जब कृपा हो जाती है तब समझ में आता है। लेकिन देखता थोड़ी है कि कोई कृपा आ गए अब कृपा बरसा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कृपा जब हो जाती है तो समझ में आ जाता। अयोध्या के किसी नागरिक ने नहीं देख पाया कि शंकर जी आ गए। अच्छा भाई मैं कहता हूं नागरिकों की बात छोड़ो, कोप भवन में महाराज श्री दशरथ हैं और वहीं केकई है, लेकिन केकई को भगवान शंकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ को दिखाई दे रहे हैं। अरे अयोध्या के नागरिकों की बात छोड़ो जी, को भवन में केकई थी कि नहीं थी? तो केकई को तो दिखाई देना चाहिए था कि भगवान शंकर आ गए, लेकिन केकई को भगवान शंकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल दिखाई दे रहे हैं तो महाराज श्री दशरथ को। प्रमाण क्या है कि दशरथ जी को दिखाई दे रहे हैं? जैसे ही भगवान शंकर प्रवेश करते हैं कोप भवन में, दशरथ जी मूर्छित पड़े थे, भगवान शंकर ने अपने हाथों से उठाया, कहा दशरथ आंख खोलो, देखो मुझे, मैं आ गया, आंख खोल के देखो मैं आ गया। जैसे दशरथ जी ने अपने नेत्र खोले, भगवान शंकर का दर्शन हुआ।
अच्छा प्रमाण क्या है कि भगवान शंकर आए, इसके लिए भी स्पष्टीकरण होना चाहिए भाई, किसी चौपाई का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि भगवान शंकर आए। ये तो प्रार्थना है कि सुमिर महेश ही कहा निहोरी, विनती सुनो, तो विनती तो कैलाश पर्वत पे भी सुन सकते बैठे बैठे, लेकिन ये क्या प्रमाण है कि कोप भवन में आए, इसके लिए कोई चौपाई छंद सोरठा दोहा यदि कोई प्रमाण हो तो उसका उल्लेख होना चाहिए। चलिए मैं उल्लेख करता हूं, मैं उल्लेख कर रहा हूं, ये रामचरितमानस ग्रंथ रखा है, घर में जाकर के आप इस प्रसंग को खोल लेना, देख लेना, पढ़ लेना। वैसे मैं चौपाई कहूंगा तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और देखा महाराज श्री दशरथ ने, उसी समय कहा, आशुतोष तुम, संकेत है, अब धर दानी ओ आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम, क्यों भाई, जब सामने कोई व्यक्ति होता है तभी कहा जाता है तुम, जब कोई सामने होगा तभी कहा जाएगा तुम, देर में क्यों आए, हम मुसीबत में फंसे थे, जल्दी आना चाहिए था लेकिन तुम देर में आए। आशुतोष तुम, एक सज्जन बोले महाराज जी यहां मेरी प्रार्थना है, थोड़ा समाधान करके आगे बढ़िए। मैंने कहा क्या प्रार्थना है बोलो। प्रार्थना यह है कि कोई विद्वान होता है, योग होता है, वो आप कहता है, तुम नहीं कहता है। मूर्ख जो होता है वो तुम कहता है। महाराज श्री दशरथ विद्वान हैं, योग्य हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तही दशरथ नाऊ, इतने विद्वान महाराज श्री दशरथ भगवान शंकर को तुम कहते, आप कहना चाहिए था, तुम क्यों कहा। मैंने कहा सुनो पहले मेरी बात, जब व्यक्ति अति व्यथित होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। बोलो भाई, जब व्यक्ति अति व्यथित हो जाता है, अपना संयम खो देता है, तो उस समय वो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है, ना उसे ऐसा भास होता है कि मैं आप कहूं या तुम कहूं। उस समय तो जो भी परिस्थिति सामने आती है उसके अनुसार वो अपनी वाणी का प्रयोग कर देता है, उसमें तुम और आप सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अति व्यथित है। बोलो है अति व्यथित कि नहीं, इसलिए इस पर कोई शंका नहीं करना है। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार मेरे ऊपर बीती, मेरे ऊपर ये बीती कि मेरे आश्रम में कामदगिर में एक बहुत ही प्यारा संत और अनन्य सेवक मेरा शिष्य है, जो केवल 3 घंटे सोता है, बाकी पूरी सेवा में ही रहता है, कामतानाथ जी के झाड़ू बहारू से लेकर के संतों की सेवा, पूरे आश्रम की सेवा, और जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारी सेवा में भी लग जाता है। अच्छा, और मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ा लिखा है वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंगूठा छाप हो, पढ़ा लिखा, इंटर पास है, लेकिन संत बन गया, मेरी सेवा में रहता है। एक दिन की बात है कि मैं वस्त्र बांट रहा था, सर्दियों में मैं गर्म वस्त्र देता हूं आश्रम के संतों को और जो भी संत आ जाते हैं तत्काल में उनको, और गर्मी में ये सूती वस्त्र गर्मी वाले जो होते हैं उनको देता हूं। तो सर्दी के वस्त्र बांट रहा था, साल भी थे, कम्बल भी थे, स्वेटर भी था, ये बांट रहा था, किसी ने उसके कान में जाकर के ये कह दिया कि गुरुजी ने सब बांट दिया, तुम्हारे लिए तो कुछ रखा ही नहीं, अब तुमको कुछ नहीं मिल पाएगा, ना स्वेटर मिलेगा, ना कम्बल मिलेगा, ना साल, गुरुजी ने सब बांट दिया। अच्छा, कान का कच्चा है, सुनकर के एकदम गया तो उसने अपना थैला लगाया, आसन बासन बांधी और टांग टूंग के आ गया मेरे सामने, बोले गुरुजी अंतिम दंडवत चले। मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, बात क्या है, बोले इतनी सेवा करते हैं तुम एक कम्बल नहीं दे पाए मुझे। मैंने कहा तुम कह रहा है, कभी ऐसा बोलता ही नहीं था ये, किसी ने भांग खिला दी इसको क्या, ये हमसे तुम आज तक नहीं बोला, बोलता ही नहीं था, साष्टांग दंडवत शब्द नहीं निकालता था, लेकिन तुम बोल रहा है, और रोने लगा मेरे सामने। मैंने कहा बेटा सबको मैंने एक कम्बल दिया लेकिन तेरे लिए 2 कम्बल रखे हूं, तो एकदम बोला हम जानते थे हमारे गुरु से बड़ा महान तो कोई है ही नहीं, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं,
तुरंत ही आप बोलने लगा, बोलो भाई। तो मैं कहता हूं देश काल परिस्थिति के हिसाब से भाषा निकल जाती है, निकल जाती है कि नहीं। और उस भाषा पर किसी भी प्रकार का गहराई पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए ना सोचना चाहिए, देश काल परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। तो यहां देश काल परिस्थिति के अनुसार अति व्यथित अवस्था में महाराज श्री दशरथ हैं, इसलिए तुम और आप पर कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर को अगर वो तुम कह रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि अविवेकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे, सावधान। शंकर जी को जैसे ही देखा, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। मेरी वेदना को समझिए, मेरे दुख को दूर करिए, मेरे संकट को दूर करिए। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। फिर आप कह दिया, कभी तुम कह दिया, कभी आप कह दिया। भगवान शंकर ने कहा, धीरज रखो, घबराओ नहीं, मैं आ चुका हूं, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, चाहते क्या हूं? चाहता ये हूं कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे, बचन मोर तजी रही ग्रही, परिहर सील सने। राम की आप ऐसी मति कर दें कि राम मेरी बात ना माने, वो मेरी बात ना मान करके अयोध्या में रह जाए, अयोध्या छोड़ के ना जाए। बोलो, एक पिता प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि पुत्र मेरी बात ना माने, एक बार मेरी बात मेरा पुत्र ना माने, राम मेरी बात एक बार ना माने, मेरी प्रार्थना है। बोलो, ये त्रेता का पिता भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कि एक बार मेरा बेटा मेरी बात ना माने? वो आज कलयुग का बाप हर रोज प्रार्थना कर रहा है शंकर जी से कि हे भगवान शंकर, जिंदगी में एक ही बार मेरा बेटा मेरी बात मान ले, जिंदगी में एक ही बार मेरा बेटा मेरी बात मान ले, एक बार केवल। बोलो, रो रहा है कि नहीं रो रहा है आज का बाप? आज का बाप रो रहा है प्यारे। एक बार एक बाप रोता रोता आया, बोले, गुरु जी आप आ गए, अब तो मेरे बेटे को समझा दोगे। हमने कहा, अच्छा क्या हो गया, कह सेवा नहीं करता है। मैंने कहा, जरा सेवा क्यों नहीं करते हो? बोले, महाराज जी कुछ समस्या है। हमने कहा, सारी बातें छोड़ो, समस्याएं समस्याएं, बाप की सेवा करना। बोले, आप कह रहे हो तो हम जरूर करेंगे, आप कह रहे हो तो। मैंने कहा, चलो मैं ही कह रहा हूं, बाप को संतुष्ट करो, माँ को संतुष्ट करो, माता पिता की सेवा कर ली तुमने, समस्त तीर्थों का दर्शन हो जाएगा घर में ही, समस्त तीर्थ तुम्हारे घर में ही आ जाएंगे। और ऐसी सेवा करना बेटा कि सारा गांव नहीं पूरा जिला तुम्हें श्रवण कुमार कहने लगे। बोले, महाराज जी ठीक है। दूसरे साल हम जब पहुंचे तो फिर वो रोके आया बाप। मैंने कहा, आप क्यों रो रहा है, तेरा बेटा तो सेवा करता है। बोले, कहां महाराज सेवा करता है, आपकी बातें ही नहीं मानी उसने। मैंने फिर बुलाया, मैंने कहा, क्यों, अगर तुझे नहीं माननी थी बात तो उस समय इनकार कर देता, हाँ 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 करता गया। मैंने कहा था माता पिता की सेवा करना, और ऐसी सेवा करना कि पूरा जिला ये कहने लग जाए कि ये श्रवण कुमार है, तूने ऐसी सेवा क्यों नहीं की, तूने मुझे भी धर्म संकट में डाल दिया। बोले, महाराज जी क्षमा करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती इन्हीं की है। कहा, हमने कहा, इनकी क्या गलती, माता पिता की? बोले, हम श्रवण कुमार बनने को तो तैयार हैं, लेकिन माता पिता अंधे तो हों। बोलो भाई, ऐसा श्रवण कुमार बनने से क्या फायदा कि माता पिता को अंधा होना पड़े? अरे, श्रवण कुमार के माता पिता तो स्वाभाविक अंधे थे, क्यों भाई, उनको अंधा थोड़ी किया गया था। लेकिन ये ऐसा अंधा करना कि श्रवण कुमार तब बनेंगे जब वो अंधे हो जाएंगे, ये बड़ी विडंबना है। आज मैं एक बात कह रहा हूं प्यारे, ये त्रेता का पिता है,
जो ये कह रहा है भगवान शिव से प्रार्थना करके कह रहा है कि तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव बचन मोर तज रहई ग्रह परिहरशील सने। एक बार मेरा बेटा राम मेरी बात न माने, भगवान शंकर ने कहा ठीक है हो जाएगा ऐसा। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम बैठे, उन्होंने तुरंत धक्का दिया, बोले बाबा सब गड़बड़ हो जाएगा क्या कह रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा क्या कह रहे हो, आप ऐसी मति करोगे मेरी और आपकी अवज्ञा मैं कर नहीं सकता हूं, यदि आप आदेश दे दोगे तो मैं पालन करूंगा लेकिन गड़बड़ हो जाएगा सब। भगवान शंकर ने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगा, भगवान राम ने कहा मेरी इच्छा अयोध्या में रहने की नहीं है, मेरी इच्छा अयोध्या में रहने की नहीं है, मैं बन ही जाना चाहता हूं, मैं अयोध्या में रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं अयोध्या पति बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं बन में रहने के लिए आया हूं, मैं बन बन भटकने के लिए ही आया हूं, और वन में जाकर के गिरवासी वनवासियों का उद्धार करने के लिए आया हूं, मुझे राज महलों में नहीं रहना है, अगर मुझे राज महलों में ही रहना होता तो मैं बैकुंठ छोड़ के नहीं आता, बैकुंठ छोड़ के मैं इसलिए आया हूं कि अयोध्या माध्यम बन जावे और मुझे बन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जावे, वो बन के गिरवासी वनवासियों का उद्धार कल्याण में कर दूं और राक्षसों का विनाश कर दूं, यही संकल्प लेकर के मैं आया हूं। बहुत गड़बड़ होगा, आपकी बात हम टाल नहीं पाएंगे, आप यदि रोक देंगे तो मैं रुक ही जाऊंगा लेकिन हमारी लीला फैल हो जाएगी, इसलिए आप एक काम करो कि मेरे पिताजी की मति ही पलट जाए, ऐसा काम आप कर दो। शंकर जी बोले हम ही धर्म संकट में फंस गए, अगर मैं पार्वती की बात मान जाता नहीं आता तो ठीक ही रहता, लेकिन ये नहीं जानता था कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। भगवान राम कहते हैं मेरे पिताजी की मति आप पलट दीजिए। अच्छा बोलो, पिताजी कह रहे हैं पुत्र की मति पलट दीजिए और पुत्र कह रहा है कि पिताजी की मति पलट दीजिए। अब देखो कितना बढ़िया ये प्रसंग, कितना मनोहारी प्रसंग है, अब इसको इसका समाधान होने वाला है। ये रामचरितमानस की बड़ी गहराई, ये भावों की गहराई जिसमें आप डूब रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा तो आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, भगवान राम ने कहा नहीं मेरी इच्छा नहीं है, आप तो पिताजी की मति पलट दो कि ये हमको वन भेजने के लिए तैयार हो जाए। अब भगवान शंकर ने माहौल बनाया और प्रभु राम से कहा कि ऐसा करना प्रभु आप मेरा सहयोग करेंगे, आप सहयोग करेंगे मेरा, आप अंदर प्रवेश कर जाएं पिताजी के हृदय में और मैं बाहर से कंट्रोल करूंगा, आप अंदर से कंट्रोल करना, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण आप प्रेरणा देना अंदर से, मैं बाहर से कंट्रोल करूंगा आप अंदर से, और बस काम बन जाएगा, बहुत बढ़िया काम बनेगा। शंकर जी ने कहा कि तो मैं प्रयास करता हूं लेकिन आप प्रवेश तो करें। भगवान राम ने कहा मैं प्रवेश कर रहा हूं, हृदय में प्रवेश कर रहा हूं लेकिन आप बाहर से कंट्रोल करें। अब बाहर से कितनी बढ़िया भूमिका बन रही है समझना, भगवान शंकर ने कहा एक बार आप विचार कर लें, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आप एक बार विचार कर लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसलिए एक बार सोच लें आप, यदि आप राम को अयोध्या में रोकेंगे तो आपको अपयश मिलेगा, आपका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। महाराज श्री दशरथ ने लोक परलोक को दांव पे लगा दिया। महाराज श्री दशरथ ने कहा अजस हो जग सुजस नसाऊ नरक परो बद सुरपुर जान, भले ही लोक में मेरी अपकीर्ति हो जाए, मेरा परलोक भी बिगड़ जाए, मुझे नरक मिल जाए, मैं नरक जाने को तैयार हूं, मैं अपयश लेने को तैयार हूं लेकिन मैं राम को वन भेजने को तैयार नहीं हूं। अब बताओ भाई, लोक परलोक को दांव पर लगा दिया, अपयश लेने को तैयार हैं।
अब भगवान शंकर ने कहा गुंजाइश ही खत्म हो रही, अपयश लेने को तैयार हैं, लोक परलोक को दांव पे लगा दिया। अब धीरे से भगवान शंकर कहते हैं प्रभु श्री राम से, आप क्या कर रहे हो, असर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, असर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप कर क्या रहे हो। भगवान राम ने कहा धीरे धीरे असर होगा, अभी तो मैंने प्रवेश किया है, अभी पावर सप्लाई नहीं की, अभी प्रवेश किया है, अभी जब मैं पावर सप्लाई करूंगा तभी ना परिवर्तन होगा, लेकिन आप बाहर से कंट्रोल तो करिए। उसी समय भगवान शंकर ने फिर कहा एक बार और विचार कर लो महाराज दशरथ, जल्दबाजी में अपने धर्म को नष्ट मत करो, आपके रघुवंश की परंपरा क्या है उस पर विचार करो, आप अपने व्यक्तित्व पर विचार करें। महाराज श्री दशरथ ने कहा मैंने विचार कर लिया है, मैं सत्य कह रहा हूं, कहूं सुभाव छल मन माही और जीवन मोर राम बिन नाही, मैं सत्य कहता हूं कि राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, इसलिए राम चले जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज राम को अयोध्या में रोको, मेरा लोक परलोक बिगड़ जाए, मुझे नरक मिल जाए, इसकी चिंता नहीं, रोको रोको रोको। भगवान राम ने कहा महाराज आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शंकर जी बोले अंदर से दबाव तो बनाओ आप। अब राम जी ने दबाव बनाया, कैसे बनाया, महाराज श्री दशरथ से भगवान शंकर ने कहा अच्छा एक बार मैं एवमस्तु कहूं इसके पहले सोच लो, मैं एवमस्तु कहने वाला हूं लेकिन फिर सोच लो, एक बार मेरे कहने से सोच लो। अच्छा जैसे ही कहा मेरे कहने से सोच लो तो महाराज श्री दशरथ ने नेत्र बंद किए, देखो ये सोचने की मुद्रा होती है, नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके जैसे ही सोचने लगे तैसे ही भगवान राम ने अपने पिता महाराज श्री दशरथ के हृदय में एक रील चला दी, इतिहास की रील। और जानते हो वो इतिहास की कौन सी रील थी, सिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज सिवी, महाराज ददीच और हरिश्चंद्र, इन तीनों का स्वरूप दिखा दिया अंदर, क्योंकि नेत्र बंद किए हृदय में रील चल रही थी। अभी तो इतिहास पढ़ा था सिवी का, इतिहास पढ़ा था ददीच का, इतिहास पढ़ा था हरिश्चंद्र का, लेकिन आज भगवान राम दिखा रहे हैं। और जानते हो किस तरह से दिखा रहे हैं, हरिश्चंद्र जी का जिस समय दिखाया प्यारे तो बड़ा विचित्र दृश्य था, दशरथ जी के आंसू निकल रहे थे। हरिश्चंद्र जी काशी के बाजार में बिक जाते हैं और एक डोम के यहां स्मशान घाट पर डोम की आज्ञा से ड्यूटी देते हैं। बोलो, एक राजा जो है डोम का नौकर बनकर के स्मशान घाट पर ड्यूटी दे रहा है, पगड़ी बंधी हुई है, एक लाठी लिए हुए है और डोम की आज्ञा से यह स्मशान पर ड्यूटी दे रहा है, कर वसूलता है, जो भी आता है शव को दग्ध करने के लिए स्मशान घाट पर उससे कर लेता है। गजब हो गया, कितनी कठिन परीक्षा महाराज श्री दशरथ देख रहे हैं। थोड़ी देर में देखते 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 भगवान राम ने क्या दिखाया कि अपने इकलौते पुत्र रोहित का शव लेकर के तारा दग्ध करने के लिए स्मशान पर पहुंच गई। भारतवासियों, सनातन धर्मावलंबियों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, धर्म कभी कभी परीक्षा लेता है, सत्य कभी कभी परीक्षा लेता है, लेकिन परीक्षा में खड़े उतरना तभी हम तुमको सनातन धर्मावलंबी कहेंगे, परीक्षा में खड़े उतर जाना। आज की कथा बड़ी प्रेरणादायी है, तुम सबको प्रेरणा देने के लिए आज का प्रवचन बहुत ही सार्थक सिद्ध होने जा रहा है। जैसे ही वो शव को दग्ध करने लगी तो हरिश्चंद्र जी आ जाते हैं, खबरदार बिना कर दिए अगर शव को दग्ध किया
तो तुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तारा ने जैसे ही देखा अपने पति को तो हाथ जोड़ के प्रणाम करती और कहती है, भगवान मैं किस रूप में देख रही हूं, मैंने सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था, मैंने सोने के पलंग पर सोता हुआ देखा था, लेकिन आज मैं किस भेष में अपने पति को देख रही हूं, ये कौन सा मेरा प्रारब्ध है, क्या यह दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रहना था, आज मैं अपने पति को किस भेष में देख रही हूं, हे विधाता कौन सा मेरा प्रारब्ध था, आज किस विडंबना को मैं देख रही हूं। प्रणाम करती है और कहती है, स्वामी पहचानो पहचानो, घबराओ नहीं, पहचानो मैं आपकी पत्नी हूं, कोई दूसरी नहीं, पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है, इकलौते पुत्र की ये लाश है, पहचानो ये पुत्र है, पहचानो ये पत्नी है। विडंबना ये है कि गरीब से गरीब का भी जनाजा निकलता है तो बोलो ढाई गज कफन होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। लेकिन आज एक राजा के पुत्र की लाश, कफन तक के लिए पैसा नहीं था, ये सारी के आंचल को फाड़ करके उसमें लपेट करके मैं लाई हूं सब को दग्ध करने के लिए, इसलिए सोचो कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर मैं कहां से दे सकती हूं, इसलिए क्षमा करो, इसका अंतिम संस्कार कर लेने दो। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि मां बेटे का अंतिम संस्कार कर रही है, कोई संस्कार करने वाला पड़ोसी नहीं निकला जी, ये इतिहास बोलो ईमानदारी से बताओ, क्या मां अपने बेटे की लाश को दफनाती है? अरे कोई होता नहीं है तो पड़ोसी होते हैं कि नहीं होते हैं, पड़ोसी नहीं होते हैं तो दूसरे गांव के होते हैं कि नहीं होते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन विश्वामित्र के भय के कारण कोई सहयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बोलो ये विडंबना नहीं है तो क्या है? महाराज श्री दशरथ बोलो ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इस रील को कौन चला रहा है हृदय के अंदर? भगवान राम। बोलो चला रहे हैं भगवान कि नहीं हृदय के अंदर? और दशरथ जी देख रहे हैं, बोलो ये इतिहास दिखाने की क्या जरूरत थी? हृदय परिवर्तन करने के लिए। किसके लिए? हृदय परिवर्तन के लिए। ये जो चल रही है रील महाराज श्री दशरथ के हृदय में और भगवान चला रहे हैं, अभी तो सिवी का इतिहास पढ़ा था, ददीच का इतिहास पढ़ा था, हरिश्चंद्र का इतिहास पढ़ा था, लेकिन देखा नहीं था, भगवान आज दिखा रहे हैं। का क्षमा करो, ये पुत्र की लाश, इसका अंतिम संस्कार करने दो। और जैसे ही आगे बढ़ती है तैसे ही हरिश्चंद्र जी ने लाठी दिखा करके रोका, खबरदार अगर तूने एक कदम आगे बढ़ा दिया और दुस्साहस किया, कहीं तूने पुत्र की लाश को दग्ध कर दिया तो आज तेरी जिंदगी की अंतिम शाम हो जाएगी, आज पुत्र के साथ मां की भी लाश इस धरती पर गिर जाएगी, खबरदार आगे मत बढ़ना। हरिश्चंद्र जी की इस ललकार को सुन करके महाराज श्री दशरथ के झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। पैर पकड़ लिया तारा ने, कहा स्वामी कोमल हृदय के थे, करुणा आपके जीवन में थी, लेकिन ऐसी क्रूरता ऐसी कठोरता कैसे आपके जीवन में आई ये मैं नहीं समझ पा रही हूं, आप निर्दयी मत बनो, क्रूर मत बनो, करुणा लाओ हृदय में, मैं दुखियारी हूं इसलिए मेरे दुख को समझने की कोशिश करो और मुझे इस कष्ट से निवारो, मेरी यही प्रार्थना है। हरिश्चंद्र ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। तारा ने कहा पत्नी को पहचान नहीं रहे हो, पुत्र को पहचान नहीं रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा मैं पत्नी को पहचान रहा हूं, मैं पुत्र को भी पहचान रहा हूं, लेकिन आज मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, आज मैं पुत्र का त्याग कर सकता हूं, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य का त्याग नहीं कर सकता है, धर्म का त्याग नहीं कर सकता है, इसलिए सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मैं पत्नी पुत्र का त्याग करता हूं, मैंने संपत्ति का त्याग किया सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, आज मैं पत्नी पुत्र का भी त्याग करता हूं। बोलो ईमानदारी से, संपत्ति पत्नी पुत्र सबका त्याग किया कि नहीं किया हरिश्चंद्र जी ने? किसके लिए किया? शत्रु धर्म की रक्षा के लिए।
बस महाराज श्री दशरथ के हृदय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अभागे दशरथ, आज तू पुत्र के पीछे शत्रु धर्म का त्याग कर रहा है, आज तू पुत्र के पीछे शत्रु धर्म का त्याग कर रहा है। भगवान राम ने इशारा किया शंकर जी को, अब पावर सप्लाई हो गया, अब आप थोड़ा सा रिजल्ट लें कि क्या है स्थिति, क्या स्थिति है। भगवान शंकर ने कहा से ताराम, दशरथ जी की आंख खुली, बोलो अब क्या चाह रहे आप, राम अयोध्या में रहें कि राम बन जाएं। दशरथ जी रोते हुए बोले दो मिनट का मौका और दे दो। शंकर जी बोले असर हो गया, दस मिनट का मौका दे रहे हैं, सोच लो सोच लो सोच लो, दस मिनट का मौका दे रहे हैं, अभी तो मौका ही नहीं दे रहे थे, लेकिन अब कहा कि पांच दो मिनट नहीं, चार मिनट नहीं, दस मिनट का मौका दे रहे हैं, आप सोच लो निर्णय ले लो। दशरथ जी ने फिर नेत्र बंद कर लिए। सिवी ददीच बलि जो कछु भाखा, सिवी ददीच बलि जो कछु भाखा, तन पर हरे सोचा। अब आंख बंद नहीं हो रही, जो मन था कि राम जी अयोध्या में रहें, अब वो मन बदल गया, वो मन बदल गया। अच्छा एक बात बताएं, अगर पिताजी का मन नहीं बदलता तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाता कि नहीं हो जाता, बोलो हो जाता कि नहीं, कि भगवान राम ने पिता की भावना नहीं समझ पाई, अंतर भावना का बहिष्कार करके राम बन चले गए और लोक में आकर के एक पिता ने तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दिए। श्री राम जी को अपयश लग जाता और पितृ आज्ञा न पालन करने वाला दोष लग जाता। लेकिन आप कहोगे महाराज जी प्राण तो निकले ही, प्राण अगर बच जाते तो इसका भी मैं समाधान कर रहा हूं, तुम घबराओ नहीं, बस तसल्ली पकड़े रहो, बैठे रहो, एक एक पॉइंट पर भावों की झड़ी लगा दूंगा प्यारे, और किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रहने दूंगा। अभी देखो गजब की बात सुनाने जा रहा हूं, अभी तो 5:30 बजे ना, कितना बज गया है 5:30, अभी तो टाइम है कम से कम 20-25 मिनट का टाइम, क्योंकि 5 मिनट आरती के लिए दूंगा, इसलिए कि भक्तों की इच्छा रहती है कि महाराज जी दूर दूर से जो सूचनाएं आ रही हैं कि महाराज थोड़ा आरती का भी आनंद दिला दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, तो अभी तो 25 मिनट 20 मिनट शेष हैं, और बढ़िया समाधान बिल्कुल स्पष्टीकरण देकर के ही आज के प्रवचन को विश्रामित करूंगा और समय से विश्रामित करूंगा, चिंता मत करो। अब दशरथ जी महाराज के नेत्र बंद नहीं हुए, मन को एकाग्र करना, बस यही भाव है जो आपकी शंका का समाधान करेगा, नेत्र बंद नहीं हुए। दशरथ जी से महाराज शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, बाबा भोलेनाथ कहते हैं, अरे कुछ बोलो तो,
ऐसनो में जवाब दो, क्या इच्छा है, राम अयोध्या में रहें या राम बन जाएं? गोस्वामी जी कहते हैं अस मन गुनय। ये चौपाई इसके आगे की, अस मन गुनय। मन क्या था पहले? राम बन जाएं। लेकिन इतिहास जब देखा हरिश्चंद्र का, सिविका और ददीज का, तो मन बदल गया कि नहीं बदल गया? मन बदल गया। प्रमाण क्या है कि मन बदला? केवल शब्दों के जाल में हम आपको भ्रमित करके चले जाएं, ये उचित नहीं होगा। रामचरितमानस की अर्धाली की चौपाई से, अर्धाली से पुष्टि करके संतुष्ट करना होगा। अर्धाली से जब तक मैं संतुष्ट नहीं कर दूंगा, उसकी पुष्टि दे करके, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूं। ना आप संतुष्ट होंगे, मैं ही संतुष्ट नहीं हूंगा, लेकिन मैं संतुष्ट कर रहा हूं। अस मन गुने राव नहीं बोला, ओ पीपर पात सरस मन डोला। इसका मतलब पहले मन था कि राम अयोध्या में रहें, बन ना जाए, और अब हरिश्चंद्र जी का, राजा सिवी का, ददीच का, इन सब का इतिहास जब देख लिया, केवल पढ़ा नहीं, देखा है हृदय में, भगवान ने प्रेरणा दे करके दिखाया है। ईमानदारी से बताओ तो पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता जरा से हवा के झोंके में हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है, ऐसे ही दशरथ जी का मन बोलो पीपल के पत्ते की तरह डुल गया कि नहीं डुल गया। लेकिन अस मन गुने राव नहीं बोला, तो किसी ने कहा कि बोले क्यों नहीं, बोल देते कि अब राम बन ना जाए, तो तुलसीदास जी बोले स्वीकृति हो गई कि राम बन जाए, बोले बोले तो नहीं लेकिन राव नहीं बोला, मानी मौन स्वीकृति, मौनम स्वीकृति लक्षणम। बोलो मौन स्वीकार का लक्षण माना जाता है कि नहीं, जल्दी बोलो, ये मौन स्वीकृति है। महाराज श्री दशरथ की राम जी के बन जाने की कौन सी स्वीकृति है? मौन स्वीकृति है। असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये चौपाई की पुष्टि है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई चैलेंज करना हो तो मैं उसकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे पर मृत्यु क्यों हुई महाराज श्री दशरथ की? मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, अगर मृत्यु हुई है तो राम के बन जाने से ही हुई है, और राम के बन जाने से अगर मृत्यु हुई है तो स्वीकृति कैसे मानी जाएगी? अब मैं उसका भी समाधान कर रहा हूं, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, चिंता क्यों करते हो? असमन गुने राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। शंकर जी ने कहा कि तो अब मैं एव मस्तु कह रहा हूं, जा रहा हूं, मन तुम्हारा नहीं है कि अब राम अयोध्या में रहें, अब तुम्हारा मन बदल गया है, मौन स्वीकृति से मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी इच्छा है कि राम बन जाएं। दशरथ जी मौन ही रहे, टकटकी निगाह से भगवान शंकर को देखते रहे, भगवान शंकर एव मस्तु कह के चले गए। अब आप विचार करना, भगवान श्री राम पिताजी को प्रणाम करके माता कौशल्या के भवन में प्रवेश किए। अब समझ लो, कथा को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, गति बढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा संतुष्ट कर दूं। प्रसंग तो इतना विस्तारित है कि इस प्रसंग को हफ्तों सुनाया जाए तब भी पूरी पूर्ति नहीं होगी, तब भी प्रसंग पूरा नहीं होगा, ऐसा प्रसंग है ये। लेकिन अब चूंकि मात्र रहे कितने दिन? 3 दिन। क्यों? आज का दिन तो गत हो गया ना, आज 6वां दिन है ना कथा का, राम कथा का 6वां दिन है, तो कितने दिन रह गए हैं? 3 दिन राम कथा के। पूर्णाहुति तो 10 तारीख को होगी, लेकिन राम कथा पूर्ण कब होगी, किस तारीख में? 9 तारीख में होगी। इसलिए अब 3 दिन मात्र शेष, और 3 दिन हमको इतनी फास्ट कथा कहनी है कि राज्याभिषेक कराना है। अब कैसे कराऊंगा? अब हवाई सर्वे करूंगा, ठीक है ना? लेकिन हवाई सर्वे में भी चमत्कार होगा प्यारे, ऐसा मत सोचना कि महाराज जी ऊपर ऊपर से उड़ जाएंगे, ना ऐसा नहीं, गहराई तक ले जाऊंगा,
डुबाऊंगा, डुबकियां लगाऊंगा, फिर तुरंत निकाल दूंगा, गहराई तक ले जाऊंगा और फिर तुरंत निकाल दूंगा। ये नहीं कि तुम हिलोरे मारते रहो अंदर घंटों, नहीं नहीं नहीं, डुबकियां लगाऊंगा और सीधा निकाल दूंगा। देखो देखो, ये गहराई तक पहुंच गए, अब आओ ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा चिंता मत करो, 3 दिन में आपको पूरी राम कथा का सार बताऊंगा और बड़े सुंदर भावों से युक्त होकर आपको भावोन्मुखी बना करके ही इस मंच का विश्राम 9 तारीख को करूंगा। आपको मानस की कथा से परिपूर्ण करके ही 9वें दिन श्री राम कथा का विश्राम 9 तारीख को विश्राम करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आइए अब माँ कौशल्या जी के भवन में। अभी तो भगवान राम आए, पिताजी को प्रणाम किए, कैकेयी माँ को प्रणाम किए। अब कैकेयी माँ को प्रणाम किए, पूरा कारण समझ लिया। कैकेयी माँ ने बता दिया कि थोड़ी सी बात पर तुम्हारे पिताजी को दुख हुआ। भगवान राम बोले, थोड़ी बात पिता है दुख भारी होत प्रतीत न मोए महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को दुख नहीं हो सकता, कोई बात होगी। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रही हैं। इस तरह से सारी की सारी प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है कोप भवन में। परंतु कैकेयी जी ने चलते चलते एक बात कह दी श्री राम से कि राम, तुम्हें मैं वन भेजना चाहती हूं और तुम्हारे पिताजी अयोध्या में रखना चाहते हैं, लेकिन शंकर जी मन को बदल दिए हैं, कैकेयी को पता नहीं है। अच्छा, कैकेयी को क्यों पता नहीं है? जब दशरथ जी कोप भवन में है, शंकर जी कोप भवन में है, सारी बातचीत शंकर जी की और दशरथ जी की कोप भवन में हुई, तो कैकेयी भी कोप भवन में थी, लेकिन कैकेयी को भगवान शंकर का दर्शन क्यों नहीं हुआ? किसी ने भगवान शंकर से कहा कि आपने कैकेयी को दर्शन क्यों नहीं दिया? आप इतने घंटों रहे कोप भवन में, लेकिन कैकेयी जी स्वीकार नहीं कर रही है, आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? शंकर जी ने कहा, मैं कोप भवन में ही रहा और कैकेयी कोप भवन में थी, लेकिन दशरथ से मेरी वार्ता हुई, कैकेयी से मेरी वार्ता ही नहीं हुई, ना कैकेयी मुझे देख पाई, तो आपने कैकेयी को दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान शंकर ने कहा, जब मैं कोप भवन में प्रवेश कर रहा था, उस समय दशरथ की आंखों में करुणा थी और कैकेयी की आंखों में क्रोध था। जिसकी आंखों में करुणा होती है, शंकर जी कहते हैं, मैं उसे दर्शन दे देता हूं, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है, मैं उसे कभी दर्शन नहीं दे सकता हूं, मैं उससे दूर रहता हूं। तो जिसकी आंखों में करुणा होती है, भगवान उसी को दर्शन देते हैं, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है, पास में भी होता है भगवान, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं होते हैं। क्रोध पाप कर मूल, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जहां आ जाता है भगवान दूर हो जाता है। इसलिए कैकेयी जी को क्रोध के कारण भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, क्रोध के कारण। तो आइए, जैसे ही कैकेयी जी ने प्रभु राम से कहा कि राम भद्र, पिताजी तुम्हारे चाहते हैं सिंहासन पर बिठाना, और मैं चाहता हूं कि तुम गिरवासी वनवासियों के बीच में रहो, तुम्हारे पिता तुम्हें अयोध्या नाथ बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें केवल अयोध्या नाथ नहीं, विश्वनाथ बनाना चाहती हूं, सारा विश्व तुम्हारे व्यक्तित्व को जान ले, पहचान ले, और जब तुम राम गिरवासी वनवासियों के बीच में जाओगे, कोल किरात भील वनवासियों के बीच में जाओगे, सबरी और गीत का उद्धार करोगे, ईमानदारी से बताओ तो विश्वनाथ बन जाओगे कि नहीं? और राम जी विश्व रूप रघुवंश मणि, क्या बन गए भगवान राम? विश्व रूप बन गए, सारा विश्व जान गया भगवान को। तो कैकेयी ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम विश्व रूप हो जाओ, सारा विश्व तुम्हें देख ले। अच्छा बोलो, कैकेयी की विचारधारा में संकीर्णता है कि उदारता है? बोलो भाई, है उदारता कि नहीं कि राम जी विश्व रूप बन जाए? एक होता है जीवन में विकास और एक होता है जीवन में प्रकाश। अब ये भी 2 सेकंड की व्याख्या है, विकास की और प्रकाश की। विकास और प्रकाश की 2 सेकंड की व्याख्या है। हमारी तरफ देखना और हमारी बात को सुनना और सुन करके अपना कल्याण करना, मन को एकाग्र करना, ये तो एक महाकुंभ है, लोगों का दर्शन के लिए आना जाना, ये तो सब लगा ही रहेगा।
कोई किसी समय पर आएगा तो कोई किसी समय पर आएगा, कोई किसी समय पर आएगा, इसलिए आने और जाने का एक क्रम है और उस क्रम को आप सब जो है बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे और सुनेंगे और बड़ी ही सुंदर विधा और व्यवस्था के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूं। जरा मन को एकाग्र करना थोड़ा सा। हाँ, चर्चा अच्छा कहाँ चल रही थी जरा तुम ही बताओ। बहुत बढ़िया। देखो मैं भूला उला कुछ नहीं था, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि सुन भी रहे हो कि खाली ऐसे ही बैठे हो, लेकिन नहीं, तुमने तुरंत कामराज विकास और प्रकाश पर कितने सजग श्रोता हैं, कितने बढ़िया श्रोता हैं कि उन्होंने तत्काल कह दिया विकास और प्रकाश पर चर्चा हो रही थी। केकई जी ने कहा एक होता है रामभद्र जू विकास और एक होता है प्रकाश। जो लोग विकास करते हैं उनको पड़ोसी ही नहीं समझ पाता है, पहचान नहीं पाता है। क्यों भाई? कलकत्ता में लोग बड़ी बड़ी हवेलियों में रह रहे हैं, बड़े बड़े विकास कर लिए, उद्योग खोल लिए, लेकिन पड़ोसी नहीं जानता उन्हें। लेकिन याद रखना, एक प्रकाश होता है जो हवेलियों से लेकर के एक गरीब की झोपड़ी में जाकर के दीपक बन करके प्रकाशित कर देता है उस भवन को, उस घर को, उस झोपड़ी को, और प्रकाश उसके व्यक्तित्व का प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। ये होता है प्रकाश। याद रखना, विकास का संबंध सुविधा से है और प्रकाश का संबंध सिद्धांत से है। इसलिए जीवन में हम सुविधा भोगी ना बने, सिद्धांतवादी बने। क्या बने? सिद्धांतवादी। हमारे जीवन में सिद्धांत होना चाहिए। तो हे राम, हम तुम्हें सुविधा से नहीं जोड़ना चाहते हैं, ये केकई तुम्हें सिद्धांत से जोड़ना चाहती है। भले ही मुझे अपयश मिल जाए, मैं अपयश सहने को तैयार हूं, लेकिन राम तुमको विश्व रूप बना दूंगी। तुम्हें केवल अयोध्या पति नहीं, अयोध्या नाथ नहीं, तुम्हें विश्वनाथ के रूप में लोग पहचाने। और आपको मालूम होना चाहिए जो विश्वनाथ भोले बाबा हैं, बोलो वो महलों में रहते हैं कि खुले आसमान में रहते हैं? जल्दी बोलो, खुले आसमान में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और नाम क्या है? विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये है विश्वनाथ का प्रभाव, ये विश्वनाथ की महिमा। तो आओ श्री राम, मैं तुम्हें विश्वनाथ बनाना चाहती हूँ, विश्व रूप बनाना चाहती हूँ। सारा विश्व तुम्हें पहचाने, सारा विश्व तुम्हें देखे। और बोलो, आज राम के बिना कोई रह सकता है? राम के बिना प्यारे कोई नहीं रह सकता है। उसे किसी ना किसी परिस्थिति में एक बार राम बोलना ही पड़ेगा। राम के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता है। इसलिए जीवन में हम लोग राम से जुड़ें, और राम आज पूरे विश्व से जुड़ने जा रहे हैं इस कथा के माध्यम से। बस केकई माँ को प्रणाम किया भगवान राम ने, और जैसे ही प्रणाम किया कौशल्या माँ के भवन में पहुंच गए। अब देखो यहाँ विरोध की क्या स्थिति है, बस यहीं संतुलन बनेगा कि बिगड़ेगा ये देखना है। और कैसे हम संतुलन को बनावें, मात्र शक्ति जरा विशेष रूप से ध्यान दे कि हम किस तरह से आपस में माताएं एक परिवार में रह करके संतुलन बनाएं, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाने की कोशिश करें। मातृशक्ति इस प्रसंग को ध्यान से सुनेगी, मातृशक्ति को सबसे ज्यादा प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणादायी प्रसंग है ये। कौशल्या जी के चरणों में जैसे प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया तो कौशल्या जी ने प्रणाम को स्वीकार किया और मस्तक पर हाथ रख दिया श्री राम के, और कहा बेटा एक काम करो। क्या? तात जाहू बल बेग नहाऊं, जो मन भाए मधुर कछु खाऊं। बेटा स्नान करो जाके, और स्नान करके कुछ खा लेना, क्योंकि अभी अभी तुझे राजा बनना है, तेरा अभिषेक होना है। और रघुवंश की परंपरा में अब से कई घंटे चलता है, ये परंपरा है, और तू बालक है, भूखा रह जाएगा, इसलिए पहले स्नान कर और कुछ मधुर, मधुर का मतलब दूध पान, समझ गए हो, या फल या दूध। मधुर का मतलब ये नहीं कि कलाकंद, ये नहीं होता है। मधुर का मतलब है दूध पान करना अथवा फल लेना।
तो हम लोग किसी अनुष्ठान पर बैठे इसके पहले परंपरा है दूध फल ले सकते हैं, दूध फल लेकर के बैठ सकते हैं। अन्न का त्याग होना चाहिए, किसी बहुत बड़े पौष्टिक आहार का त्याग करना चाहिए। हम लोग संतुष्टि के लिए, अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए गौ माता का दूध या कोई एक फल लेकर के बैठ सकते हैं। तो बेटा स्नान करो और स्नान करके दूध ले लेना अथवा कोई फल ले लेना, क्योंकि कई घंटे अवशेष चलेगा, तेरा अवशेख होना है। तुझे सिंहासन पर बैठाल करके संपूर्ण अयोध्यावासी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तुझे आज अयोध्या का राजा बनाएंगे, इसलिए शीघ्रता कर। भगवान राम बोले, माता जी काहे का स्नान और काहे का फल? क्यों बेटा, स्नान करके ही तो फल पाया जाएगा, स्नान करके ही तो दूध लिया जाएगा। बिना स्नान किए दूध लेना फल लेना अपराध है बेटा, इसलिए स्नान तो करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, माता जी मैं ऐसे राज्य का राजा बन रहा हूं, पिताजी ने मुझे ऐसे राज्य का राजा घोषित कर दिया है कि जिसमें स्नान की जरूरत ही नहीं है, बिना स्नान के खाओ। कौशल्या जी ने कहा, बेटा ऐसा तो कोई राज्य नहीं, अयोध्या का तो राज्य नहीं है ऐसा। कौन सा राजा, किस देश का राजा, किस राज्य का राजा तुम्हारे पिता ने बनाया है, ये मैं भी सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि बिना नहाए ही खाने की परंपरा हो जिस राज्य में, वो कौन सा राज्य है। राम जी बोले, पिता दीन मोहि कानन राजू, और जही सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, और जंगल का राजा शेर होता है, और शेर बिना ही नहाए खाता है। शेर को किसी ने नहाते देखा? बोलो भाई, नहाते नहीं देखा ना किसी ने शेर को। शेर तो स्वतंत्र होता है, जंगल का राजा होता है, और पिता दीन मुहे कानन राजू जंगल का राजा बनाया है। कौशल्या जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अब माताओं ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी परीक्षा है। इस प्रसंग में किस तरह से तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकती हो, ये तुम्हें चेतावनी दे रहा है प्रसंग, ये प्रेरणा भी दे रहा है तुम्हें, और बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर रहा है, संबल प्रदान कर रहा है ये प्रसंग। मात्र शक्ति के लिए, आर्यावर्त की नारियों के लिए बहुत बड़ा संबल है इस प्रसंग में। कौशल्या जी ने कहा, बेटा सुनो मेरी बात, मैं माँ हूं, पिता ने आज्ञा दी है ना? हाँ हाँ, पिताजी ने आज्ञा दी, लेकिन मैं माँ हूं, अब मेरी आज्ञा सुनो। जो केवल पितु आयसुता तो जन जाहु जान बड़ी माता, तो जन जाहु जान बड़ी महत्वपूर्ण आज्ञा मां की होती है, मैं मां हूं तो जन जाओ मत जाओ। बोलो धर्म संकट आ गया राम के सामने कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो। मत जाओ, मैं मां हूं, मैं कह रही हूं। अब यहां ऐसा लगता है कि महाराज श्री दशरथ और केकई दोनों के मध्य में मतभेद है, कौशल्या और केकई और दशरथ। क्यों भाई, मतभेद नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन बाहरे रामचरितमानस का संतुलन, धन्य है माता कौशल्या, अनंत बार श्री राम की माँ को हम प्रणाम करते हैं कि माँ आपने मर्यादा को बचा लिया, आपने श्री राम की मर्यादा को भी बचाया, आपने पातिव्र धर्म की मर्यादा को बचाया, और आपने अयोध्या जैसे धाम की मर्यादा को बचाया, आपने रघुवंश की मर्यादा को बचाया, आपने मर्यादा को बचा लिया है। अनंत बार माँ कौशल्या आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम ने धीरज रख के कहा, माता जी यदि पिताजी के साथ मां की भी आज्ञा हो तो? पिताजी के साथ यदि मां की आज्ञा हो तो कौशल्या जी को यह कहना चाहिए था कि मां तो मैं हूं, कौन मां, कहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जैसे ही कहा कि पिताजी के साथ यदि मां की आज्ञा हो तो कौशल्या जी कहती है, मां की आज्ञा भी है? ये नहीं कहा कौन मां,
अगर बेटा पिताजी के साथ माँ की आज्ञा भी बन जाने के लिए है तो जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानन सत्यवध समान। बेटा यदि पिताजी के साथ माँ की आज्ञा भी बन जाने के लिए है तो आओ मैं तुम्हारे मस्तक पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही हूँ कि जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और तुमने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है, तेरी माँ केवल कौशल्या ही नहीं है, तेरी माँ कैकेयी भी है, सुमित्रा भी है। अगर इनमें से किसी ने भी आज्ञा दे दी है तो कौशल्या की आज्ञा समझना उसे। जाओ मेरा आशीर्वाद है कि जहां भी तू वन में रहेगा वह वन सौ सौ अयोध्या के समान तुझे सुख प्रदान करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। ईमानदारी से बताओ यहां कौशल्या जी विरोध कर रही हैं कैकेयी का कि समर्थन कर रही हैं? बोलो समर्थन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? इससे सिद्ध हो रहा है कि राम वनगमन में कौशल्या कैकेयी में कोई मतभेद नहीं है और जो भी हो रहा है राम जी का वनगमन वो प्रभु राम की इच्छा से हो रहा है और राम की इच्छा में अपनी इच्छा को सभी ने मिला दिया है, महाराज श्री दशरथ और इधर माँ कौशल्या। अब देखो भाई एक बात आपको बताएं, महाराज श्री दशरथ की मृत्यु का कारण क्या है एक दो मिनट में सुन लीजिए, क्योंकि बस अब इस बात को कह के पूर्ण हो जाएगा कि दशरथ जी की मृत्यु क्यों हुई। अगर दशरथ जी ने मौन स्वीकृति दी है बन जाने की तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। अब इस कंडीशन में जैसे ही माँ कौशल्या से आज्ञा मिली और भगवान राम बन जाने लगे तो महाराज श्री दशरथ मूर्छित हो गए। अंत में ये स्थिति आई कि प्राण गमाने को तैयार हो गए तो कौशल्या जी ने अपने हाथ में ले लिया और हाथों में उठा करके अपनी गोद में लिटाया और कहा, महाराज मैं एक बात नहीं जानना समझना चाहती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस बात को और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे संतुष्ट करें। आप राम जी के पिता हैं और मैं राम की माँ हूं। ईमानदारी से बताओ पुत्र के प्रति ममत्व पिता से ज्यादा माँ का होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है माँ का कि नहीं? लेकिन मैं 14 साल तक लौटने का इंतजार कर रही हूं लेकिन आप 14 दिन जिंदा नहीं रहना चाहते हैं राम के वियोग में, आखिर ये कारण क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूं, क्या राम के बन जाने से आपकी मृत्यु हो रही है? आपको राम ही दिखाई दे रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या इस समय मुझे राम दिखाई नहीं दे रहा है, राम के बन जाने से मेरी मौत नहीं हो रही है। तो कैकेयी ने विवश कर दिया राम को बन जाने के लिए इसलिए आपकी मौत हो रही? नहीं नहीं नहीं, कैकेयी ने मुझे विवश किया इसलिए भी मेरी मौत नहीं हो रही है। कौशल्या इस समय तेरी गोद में मैं लेटा हूं, तू मुझे दिखाई नहीं दे रही है, सरयू का तट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अयोध्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है, राम मुझे बन जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समय मुझे मृत्यु के समय श्रवण की लाश और अंधे अंधा का श्राप दिखाई दे रहा है और मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए श्रवण की लाश मेरे सामने रखी हुई है और अंधी अंधा मुझे श्राप दे रहे हैं कि दशरथ अब तुझे अयोध्या में रहने का अधिकार नहीं है, अब तू अयोध्या छोड़ करके जा। तो आज मैं श्रवण के माता पिता के श्राप के कारण प्राणों का परित्याग कर रहा हूं। तो बोलो इस रहस्य का उद्घाटन चौपाई में हो गया कि नहीं हो गया? अंत में तापस अंध श्राप सुधियाई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधियाई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बोलो पूरी कथा सुना दी दशरथ जी ने कि नहीं कि इस कारण मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं? तो आप लोगों को समझ में आई बात कि नहीं? स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया कि अंधी अंधा के श्राप के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हो रही है और राम जी के प्रकाश को लेकर के कैकेयी जी ने राम जी के लिए बन मांगा है और कैकेयी का समर्थन जो पितुमात कहेउ बन जाना तो कानन सत अवध समाना। बोलो कौशल्या जी ने इस चौपाई से समर्थन किया कि नहीं किया? इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कैकेयी जी का जो अंतरंग चरित्र है वो वास्तव में प्रशंसनीय है और बहिरंग जो चरित्र है वो निंदनीय है। इसलिए हम लोग बहिरंग चरित्र से हट करके अंतरंग चरित्र में जब प्रवेश करेंगे तो कैकेयी हमारे जीवन में निंदनीय नहीं वंदनीय
सिद्ध होगी, इसलिए राम की माँ हैं, उन्हें हम सब प्रणाम करते हैं और आज के प्रसंग को यहीं पर विश्रामित करते हैं। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की। हाँ, आरती होगी, बिना आरती के कोई नहीं जाएगा, आरती होगी, आरती लेकर के ही आप लोग जाएं, और आरती का समय बस 2 मिनट बाद आरती ही शुरू होगी। हमारे उद्घोषक महोदय कुछ संदेश देना चाहेंगे, उसको सुनकर के जाइए, तब तक कीर्तन कर लो दो बार भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद विश्राम। शेष चर्चा कल ही करूंगा, कल होगी, अभी 3 दिन शेष बचे हुए हैं और चर्चा का विस्तार होगा, आप सब श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अनंत विभूषित रघुवंश शिरोमणि यज्ञ सम्राट 1008 श्री बाबा कनक बिहारी दास जी महाराज की। कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु अनंताचार्य श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की। आप लोग 2 मिनट धैर्य धारण करें, आरती के पूर्व हमारे बीच हमारे कुछ अतिथिगण पधारे हैं, मैं उन्हें यहाँ पर सादर आमंत्रित महाराज श्री से के स्वागत और आशीर्वाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री उमाकांत जी शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह जी दांगी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सम्मान्य श्री श्याम सुंदर जी शर्मा जी, जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्री प्रेम नारायण जी विश्वकर्मा जी, श्री विधायक महोदय श्री निशंक कुमार जी जैन साहब, सभी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि, और परम श्रद्धेय दादा श्री अजय सिंह जी रघुवंशी, पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधि मंत्री सम्मान्य श्री हरि सिंह जी रघुवंशी जी, पूर्व विधायक सम्मान्य श्री हरि सिंह जी रघुवंशी जी, पूर्व विधि मंत्री सम्मान्य श्री वीर सिंह जी रघुवंशी जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्मान्य श्री प्रहलाद सिंह जी रघुवंशी जी, मंडी अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी रघुवंशी जी पधारे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं सम्मान्य जो दानदाता हैं जिनने भंडारे के लिए पृथक से दान किया है उनको सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा, वो एक एक क्रम से आते जाएं और सम्मान के बाद दूसरी तरफ के रास्ते से नीचे अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। साथ ही स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेश शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष बासोदा, श्री यशवंत जी दुबे जी, श्री सोनू समैया जी, श्री पदम भदौरिया जी, मंडल अध्यक्ष विदिशा डॉक्टर के तिवारी जी पधारे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, श्री राम किशन जी दुबे जी,